हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल ब्रेन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बारे में, और इसको आपको लोन भी दे देती है और इंस्टेंटली आप जो है EMI पे जो है कोई भी शॉपिंग जैसे कि वेबसाइट है अमेजोन है फ्लिपकार्ट है उसमें से आप EMI पे परचेस भी कर सकते हैं। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल घंटा भी आएगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट पे दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद आप जो है पहले यहाँ पे फ़ोन नंबर से लॉगिन होना होगा, फ़ोन नंबर डालना होगा और OTP डालना होगा, बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है 5 स्टेप कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपका जो पहले फाइल का फॉर्म भरना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ पे बाद में आपका ई अदर साइनिंग, बाद में आपका फिनिश। तो यहाँ पे आप अगर आप एलिजिबिलिटी मिल जाए तो आपको बहुत ही अच्छा बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे जो आती है बाद में आप EMI पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी मोबाइल है, यहाँ पे वॉच वगैरह, यहाँ पे लैपटॉप, मैकबुक वगैरह, आपको जो आसानी से बहुत सारे सामान जो EMI पे आप परचेस कर सकते हैं। तो ये भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। अगर आप जो यहाँ पे लोन्स पे जाएंगे तो फिलहाल अभी तो मेरा यहाँ पे कोई भी लोन नहीं है। तो प्रोफाइल पे जाते हो, प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों से सबसे पहले बता दूँ कि डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, प्रोफाइल पे ये जो है इसमें जाता हूँ, जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सेल्फी आपको देना होगा, आपको गवर्नमेंट ID के साथ हाथ में लेके, और यहाँ पे गवर्नमेंट ID के साथ फ्रंट जो फ्रंट साइड जो है आपका ID यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ID यानी कि कोई भी आधार कार्ड वगैरह बैक साइड, बाद में यहाँ पे पैन कार्ड, एम्प्लॉय प्रूफ यानी कि एम्प्लॉय ID कार्ड, तो बाद में आती है एम्प्लॉय ID कार्ड, आपका एम्प्लॉय प्रूफ, अगर ID कार्ड नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट देगा तो भी चलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आती है आदर्श प्रूफ, अगर कोई भी आदर्श एक्स्ट्रा कोई प्रूफ है तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दूसरा है, इसकी तरफ चलता हूँ। सॉरी, ये पर्सनल ये प्रोफाइल डिटेल्स में आपको डालना होगा सैलरी, आपका नाम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पिन कोड नंबर, यहाँ पे अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप कॉलेज डाल दीजिएगा, कॉलेज डिटेल्स। तो मैं तो कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे आपका कॉलेज नेम, आपका जो कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आपका सैलरी भी कितना है ये सब डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपका जितने भी प्रोसेस है, आप जो है यहाँ पे 5वें स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आप जो है आसानी से आपको यहाँ पे जो लोन आसानी से मिल जाएगी, ये मेरी दुआ है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ जो है यहाँ पे लिमिट बता रहा है, तो फिलहाल मैंने अभी तक तो, क्योंकि दोस्तों मेरे को यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा मेरे को पक्का है, क्योंकि मेरा दोस्तों कॉलेज ID कार्ड नहीं है, ना तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो इसीलिए जो मेरे को लोन नहीं मिलेगी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाएगी, पर्सनल लोन भी मिलेगी, आप आसानी से जो EMI पे भी सामान परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक समझ चुके होंगे कि इस एप्लीकेशन का फंडा क्या है, जितने भी प्रोसेस समझ चुके होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट से बताइए, मैं आप लोगों से पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।